नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या हो देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। सितारगंज के पूर्व विधायक नारायण पाल ने दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता और किसानों के साथ उप जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर ज्ञापन देने जाना था, लेकिन उप जिला अधिकारी और तहसीलदार के न होने से गुस्साए कांग्रेसियों ने ज्ञापन की प्रति उप जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर ही जला दिया। जलाया गया क्योंकि कोई भी उचित माध्यम जो है किसान सम्मान निधि का, कि हम किससे रिपोर्ट मांगे, किससे जानकारी लें, और जो फसल बीमा योजना में लूट खसोट मचाई उसकी किससे शिकायत करें, चीनी मिल खुलेगी या नहीं खुलेगी इसके लिए किससे बात करें, कोई अधिकारी कहने के बावजूद भी यहाँ नहीं है। और दूसरी बात यह है, तहसील दिवस भी है, लेकिन तहसील दिवस में मैं देख रहा हूँ कि 20-25 विभागों के अधिकारी इधर उधर बैठ के घूम रहे हैं और ना उन्हें कोई गाइड करने वाला है, ना उनसे कोई बात करने वाला है। वो किसको रिपोर्ट दें, क्योंकि ना SDM है ना तहसीलदार है। बहुत ही निराशाजनक और असंतोषजनक ये काम चल रहा है शासन प्रशासन का।